स्वागत है आपका करियर एकेडमी के YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम हो चुका है, तो एग्जाम के बाद अब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आपका CPT का जो टेस्ट है वो आएगा। तो CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको टाइपिंग और एक्सेल यानी एक्सेल और टाइपिंग की दो टेस्ट देने हैं, एक ही टेस्ट के अंदर इंक्लूड होंगे। तो इस टेस्ट को हम CPT कह देते हैं। तो CPT में जहां तक पहले फॉर्मेट है और नए फॉर्मेट है, उसके हिसाब से मैं आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ये दो पार्ट में होगा, ठीक है जी। इनके दो पार्ट होंगे। तो पहला पार्ट जो है आपका टाइपिंग टेस्ट, यानी आपका पहला पार्ट होगा टाइपिंग टेस्ट का, जिसमें आपको 10 मिनट मिलेंगे, यानी आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा टाइपिंग के लिए, जो आपकी टाइपिंग स्पीड टेस्ट करेगा। यानी आपको इसमें 30 स्पीड, 30 की स्पीड चाहिए वर्ड पर मिनट, यानी 30 WPM यानी वर्ड पर मिनट, यानी आपको 30 की स्पीड अचीव करनी है। टफ होती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफी इसके लिए। दूसरा, इसके लिए आपको एक पेज के ऊपर आपको लगभग 400 से लेकर 600 वर्ड तक का एक आपको प्रिंटेड पेज मिलेगा, जिसमें 400 से लेकर 600 वर्ड तक वर्ड होंगे। फिर दूसरा आता है, ये फॉर्मेट आपको पता है कि SSSC साइट है, उसमें फॉर्मेट अपना टाइपिंग का उनका फॉर्मेट अलग से होता है। इसमें आप जितने ज्यादा वर्ड टाइप करते हो, यानी एज मच एज आपको जितने वर्ड दिए जाते हैं, उसमें जितनी स्पीड से आप टाइप करोगे उतनी ही आपकी स्पीड ज्यादा दिखाई देगी। इसमें आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। नॉर्मली इसमें मिस्टेक जो है, मिस्टेक नॉर्मली एग्जैक्ट बताई नहीं है उन्हें कि कितनी मिस्टेक होंगी, फिर भी मिस्टेक के बारे में गैस है कि 5% हो सकती है, 7% हो सकती है, तो 5 या 7% की आमतौर पर मिस्टेक होती है। अभी तक उन्होंने डिफाइन नहीं है, अभी CPT का जब उनका नोटिस आएगा तो उसमें क्लियर पता लग जाएगा। तो डिफाइन नहीं होती, तो मिस्टेक कम से कम करनी है, मिस्टेक के सहारे नहीं रहना, एक्यूरेसी पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी टाइपिंग स्पीड पे। इसके लिए आपने देखा कि 10 मिनट का टाइम है आपके पास। फिर आता है इसमें, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इसको आपको पास करना है। क्वालिफाइंग नेचर का होने के नाते इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ना ही ये मार्क्स जो है आपके मेरिट में काउंट होंगे। जब आप 10 मिनट के टेस्ट में टाइपिंग पास होती है, देन आपका दूसरा जो है वो स्प्रेडशीट का है। स्प्रेडशीट यानी आपको MS Excel जो है इसमें इसका टेस्ट लिया जाएगा। ये जो है ये 10 मार्क्स का है और 10 मिनट मिलेंगे आपको। नॉर्मली ये टोटल टेस्ट पहले 20 मार्क्स का होता था, और इसमें 10 मार्क्स एक्सेल के होते थे और 10 मार्क्स टाइपिंग के थे, पर टाइपिंग के अब टाइपिंग क्वालिफाइंग है तो इसमें मार्क्स नहीं आते। अब एमएस एक्सेल में आपको 10 मार्क्स में से नॉर्मली 4 अचीव करने हैं, यानी 4 मार्क्स आपके आने चाहिए तब आपका एक्सेल भी पास होगा। जब आपका एक्सेल पास होता है तो ये भी क्वालिफाइंग है, आपको मिनिमम इसमें 4 मार्क्स अचीव करने हैं। और इसमें आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे और पांचों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो यानी 10 मार्क्स के आपके एमएस एक्सेल के क्वेश्चन आएंगे। एमएस एक्सेल में आपको एमएस एक्सेल का जो ऊपर का उसका एप्लीकेशन विंडो है, जिसमें उसकी टैब दी गई है, उसमें सेल होती है, उसके फॉर्मूले हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं, कितनी सेल बनानी है आपको, कैसे आपको डिवाइड करना है, कैसे प्लस करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, आदि आदि। तो नॉर्मल एमएस एक्सेल आती है, ज्यादा एडवांस नहीं आती। 2007 और 2010 की एमएस एक्सेल का उन्होंने वर्ड आमतौर पर मांगा होता है। तो 10 में से आपको 4 मार्क्स अचीव करने हैं। इसमें आपको एमएस एक्सेल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 10 मिनट मिलेंगे, और ये आपको दोनों जब आपके क्वालिफाई होते हैं, यानी दोनों टायर आपके ये क्वालिफाई होते हैं, देन आपका एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा। जब आपका सीपीटी, यानी दोनों में ही सीपीटी में दो पार्ट है, दोनों क्वालिफाई करने हैं, दोनों की क्वालिफाइंग नेचर है, कोई मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे। जब दोनों क्लियर कंप्लीट होते हैं तब आपका सीपीटी पास माना जाएगा। जब आपका सीपीटी पास माना जाता है, देन आपको जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, वो फाइनल मेरिट जो है आपकी रिटन के स्कोर पे बनेगी। तो रिटन का स्कोर यानी GK और इंग्लिश का स्कोर जो है टोटल कंबाइंड स्कोर होगा, और उसके कंबाइंड स्कोर के आधार पे ही आपको आगे सिलेक्शन मिलेगी। तो आपको सीपीटी पास करना है, क्वालिफाइंग है परंतु नेसेसरी है, इसमें अगर आप फेल हुए तो आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाता है। तो आपको दोनों चरण पास करने हैं, देन आपका
आगे के चरण के लिए आप क्वालिफाई होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें अब एक क्वेश्चन आता है कि इसमें आपको एक्यूरेसी कैसे रखनी है, आपकी मिस्टेक, आपकी टाइपिंग स्पीड का कैसे पता लगेगा। तो जहां तक इन्होंने चंडीगढ़ के एग्जाम में इन्होंने फॉर्मेट दिया है, उसमें लिखा है इन्होंने कि नंबर ऑफ वर्ड, यानी अगर आप जो वर्ड टाइप करते हो, नंबर ऑफ वर्ड माइनस मिस्टेक, आपको मिस्टेक निकालनी है, इसमें मिस्टेक माइनस होंगी और 10 से डिवाइड होगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका जो आपकी एक्यूरेसी को और टाइपिंग स्पीड को मेजर करेगा। कैसे पता लगेगा इसका? नंबर ऑफ वर्ड यानी आपने कुल कितने वर्ड टाइप किए हैं, यानी मान लो आपने 300 वर्ड टाइप किए हैं, 300 में आपकी 10 मिस्टेक आई और 10 से आपको डिवाइड करना है, तो 290 आया, 290 को 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी स्पीड आएगी 29 की, ठीक है जी। तो आपको मिस्टेक माइनस करनी है और टोटल टाइपिंग वर्ड, आपके वर्ड जितने ज्यादा होते हैं तब फायदा है, मिस्टेक कम से कम रहती है तब फायदा है, यानी मिस्टेक को वर्ड वाइज उन्होंने माइनस किया है। ये चंडीगढ़ के एग्जाम में जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसका फॉर्मेट बताया मैंने, तो आमतौर पर यही फॉर्मेट रह सकता है। नंबर ऑफ वर्ड आपको टोटल देखनी है कि आपने कितने टाइप किए, और कम से कम मिस्टेक रखनी है और डिवाइड करना है 10 मिनट से, तो जब आपका इससे डिवाइड होगा आपकी स्पीड आएगी, ये होती है नॉर्मली टाइपिंग स्पीड। इसके अलावा इसमें एक वर्ड को एवरेज के रूप में 5 की स्ट्रोक, यानी 5 की स्ट्रोक जो है उनका एक एवरेज वर्ड होता है, तो आप अगर 5 वर्ड का एक एवरेज की स्ट्रोक दबाते हो तब आपका एक वर्ड काउंट होता है, देन सभी आपके वर्ड काउंट होते हैं, कई वर्ड ऐसे बड़े होते हैं कई छोटे होते हैं, तो उनकी सबकी एवरेज जो है 5 की स्ट्रोक के आधार पर ही निर्धारित होगी। जब वो की स्ट्रोक के आधार पर निर्धारित होगी तब उसके बाद आपको इससे, यानी नंबर ऑफ वर्ड टाइप किए, मिस्टेक माइनस होगी और 10 से डिवाइड करने के बाद ही आपकी टाइपिंग स्पीड का पता चलेगा। तो टाइपिंग के लिए आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मिनिमम आपको 30 की स्पीड चाहिए, 30 की स्पीड अगर आपकी होती है तो आप क्वालिफाई करने के आपके चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको सीपीटी के लिए टाइपिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एमएस एक्सेल भी जरूरी है, उसको भी आप क्वालिफाई करें, वो जल्दी हो जाता है, टाइपिंग में टाइम लगता है, टाइपिंग के लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, तो जब भी एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसके बाद लगभग 1 महीने के अंदर ही सीपीटी का एग्जाम हो जाता है, पर आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए, अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए, तो उम्मीद है कि जल्दी रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद ही आपका सीपीटी हो जाएगा। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।